देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कार्यक्रम का आरंभ हम करें। अटल जी, अटल जी अष्टम सूची में दलखिल है तो CBSE कोर्स में मैथिली प्रधानमंत्री दलखिन। हम अहाँ के कहा चाहे हम अहाँ के कहा चाहे बंधुगण सब आदमी के अह बात के बुझा पड़ जो दरभंगा में विकास हेतु और संपूर्ण राज्य और देश लोग ठीक होते। अखन तो मणिकांत जी कहल आकाशवाणी में मैथिली रुक गए और आई कहल हर राय पर्याप्त प्रसारण है। एक प्रयास दू दिन से हम भारत सरकार में कैले रही जहाँ आकाशवाणी के प्रसारण हो बात की नहीं है। आई जी आई टैग मिथिला मखान अहाँ के भागल है और पिछला बजट में 10,000 करोड़ मैथिली का प्रबंध भारत सरकार के लिए मैथिली के विकास हो और हमारा तो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र एनएसपी 25 एकड़ में बनल लेकिन राष्ट्रीय एहिठाम से हटा दल गए। हम लागल छी जे राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में पुनः होना चाहिए तो एक पर एक काज हम सब कर रहा छी और निश्चित रूप से आदरणीय बैजनाथ चौधरी बैजू जी का बारंबार हम अभिनंदन बधाई देव चाह अहा काज आगा बढ़वे चलू और अहम मामूली नहीं बुझू अहा के पीठ पर समस्त मिथिला खड़ा है और दरभंगा के सांसद बाज रहा है। ये तो सौभाग्य हमरा सब के जहाँ सनक लोग दिन रात लाग के विजय चंद झा जी कहल जो मैथिली में लोकसभा में आप बाजे आज तक क्यों मैथिली में लोकसभा में चर्चा नहीं करे चला। विजय बाबू अपना विद्यापति पर्व समारोह के संचालन करे चला कहल हमरा सब के 10 वर्ष अहा औहदा दे के काज करो। हम तो मैथिली डीडी चैनल में प्रयासरत छी जो मैथिली डीडी चैनल चालू होना चाहिए तो बहुत तरह विषय है बहुत बात है और किछ लोग धरफराए छै तो स्वाभाविक बात है जो 76 वर्ष में हम सब धरफराइते में रह गलो और गौध एलन हीरा और मार पसौल जीरा तैठम सब चलबे करते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मैथिली जय मिथिला भारत माता की भारत माता की वंदे। यही आवाज से है कहो वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद नमस्कार। खरवई की जन्मभूति तो हमारा पियावे पड़त मिथिला मैत्री अस्वभाव डॉक्टर सुषमा झा एक पारंपरिक गीत लग कौशिक मल्लिक जी संगत कह रहा है तबला पर तक बस आधा घंटा से 45 मिनट हमारा और समय लागत। अब जतेक अतिथि हुनका लोकनि के बेसी बजबाक व्याधि नहीं छ और झटपट में बजता शुभकामना देता कार्यक्रम और आगा बढ़त और हमारा आई चौबीसा विभूति सम्मानक कार्यक्रम से जिनका लोकनि के हमारा लोकनि काल परसू में नहीं सम्मानित करने छे नहीं आबि सकला तिनका लोकनि के आज मिथिला विभूति सम्मान से सेहो सम्मानित करबे डॉक्टर सुषमा झा।
सम्मानित मंच कारण बहुत लोग नाम लाइन क्षेत्र में सम्मानित मंच हमारे विद्वजन साहित्यकार मगन आज हर्षक बात जे तिलेश्वर ऑर्गेनाइजेशन मिथिला के स्वर्ण जयंती मना रहा है। लोग कहे जो मैथिली के ऑर्गेनाइजेशन नहीं चले हमारे चेतना समिति बाबा नागार्जुन द्वारा स्थापित आई उनहत्तरम विद्यापति अश्विन परशुराम मनोरथ है भोगन झा द्वारा स्थापित अखिल भारतीय मिथिला संघ 1750 स्वर्ण जयंती मनेने रहे आरती भोगन झा द्वारा स्थापित बेनीपट्टी आ किशन विद्यापति समारोह छे जब लगन रहते ईमानदारी से काज करते तो ऑर्गेनाइजेशन चलबे करते। हमार मित्र बैजू बाबू पहले कहला लेकिन कहावत छे सूरदास घी खसैया तो गड़गड़े नहीं बुझ जते बैजू बाबू अपन खून पसीना दिल हुनका जा मिथिला के जनता की कलक से अपना गिरमान में झके जाए जाओ 54 वर्ष हमू मिथिला संघ के अपन दिए गाढ़ी मोछ नहीं रहे कहियो एखनो गाइल सुनै छी बैजू बाबू गाइल सुनै छै कहावत छै जकर बाप भोज नहीं करा तकर बेटा गाइल भ सुनतै जे किछ नहीं करत ओ गरियाउत सब आओ बाबू साहेब चौधरी डॉक्टर लक्ष्मण झा जानकी नंदन सिंह वो जे हमर विभूति सब फसल उपजलखिन तो हम सब कटल है आ हम सब जे फसल लगे रहूं है तो आजुक छोरा जो कटैया ओहो हमरा सब के गरियो है बड़ा बढ़िया हसक बात जते गाय भ तते हमरा सब उजा है जेन हार के अहिना गाय होइ छै हमर भोगन झा जी कहथिन जय किछ कहते तते तो किछ कहते कि नहीं हमर पर मिथिला राज मिथिला राज मिथिला राज और पूरा का मिथिला राज यो मिथिला राज के जहन आंदोलन हो या तो पका साथ में अबे छिया है मिथिला राज वालों में था जाते तक 83% जनता हमरा संगे नहीं जुड़ा ताबे तक मिथिला राज संभव नहीं छे और आज सरावजी जी के पैसा पर संत चौधरी के पैसा पर जो हम आंदोलन करबे तो वो आंदोलन नहीं चलते आंदोलन अपन जेल ढीला करे पड़ते जना गांधी जी मुखिया तो लेने रहती पहला अहा सब दूध का एक का जमा कर लो कोनो आंदोलन बिना पाइए नहीं होइ छे
आंदोलन पाई चाहिए तो तेरे जे पर झिला करियो तो बात लियो हमरा से टका लियो हमरा टका से और रहे एठम का जे पलायन संबंधित छे सांसद एठम लोकसभा विधान सभा दोनों विराजमान छे विधान परिषदो छे आ राज्यसभा सेहो छला है हमर कल जाबे तक एठम औद्योगिकरण नहीं हेते ताबे तक मिथिला के उद्धार नहीं छे तै द्वारे संपूर्ण भारत वर्ष में मिथिले एहन क्षेत्र है जतना आजादी से पहले जे की छले सेहो चल गए आज कपा गले दूध भी कपा गले चीनी भी कपा गले आए पहले हमारे सब की भावा पेपर भी कपा गले आज पंडाल घाटा को कहीं रहा है की भले पहले हमारा सब के चाहिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा तक वो नहीं है ताले तक संभव नहीं है आ वो जो अर्थ मजबूत भ जेते अपने राज भ जेते राज होना नहीं होय छे अहां के ब्लॉक में डीडीसी में तो मैथिली में का कार्य प्रो अति पर होते नहीं है काज होते नहीं है मुखिया तो बैठते नहीं है सरपंच बैठते नहीं है विधायक बैठते नहीं है एमपी बैठते नहीं है मुसलमान गांव में हिंदी भाषा ब्राह्मण गांव में हिंदी भाषा उर्दू भाषा ये हाल चल रहा है आज आज तेलंगाना अहाँ के सामने राज्य के मामला में सबका विधायक सबका सांसद जाए रहे जाबे तक सांसद विधायक मुखिया सरपंच नहीं तैयार है ताबे तक राज्य के सपना कत रहे यहाँ से विधानसभा पास करते डीडीसी पास करते ब्लॉक पास करते तखन विधानसभा में देते तखन लोकसभा देते आ हम सब दरभंगा से दिल्ली चल जाए हमरो करो करो जाएंगे हमरो लोग विरोध हमरा लोग डाइन पढ़े चले ते मिथिला राज्य के विरोधी छथि और विरोधी जाबे तक कोसी में भी नहीं जागत अहाँ के अररिया खगड़िया किशनगंज मधेपुरा सुपौल सहरसा जाबे नहीं जागत बेनी सीतामढ़ी समस्तीपुर मुजफ्फरपुर नहीं जागत तब कितना राज्य है बगल में मधुबनी के छी हम सब निप्राण भेद छी हम सब दरभंगा के हमर बैजू बाबू आंदोलन के जिया के रखने छथि हुनका हम बधाई दै छियनि हम आई शराबी जी छथि पाँच कर्म विधायक हमारा ख्याल से हिंदे सौभाग्य प्राप्त भेल है भगवान कहते जगह काज किस काज कर सकिन तय रह सकिन के यौ आई पाँच बेर जो किस कक्षा तय कर गली गली हुनकर नाम छन हम हुनका से आग्रह करबे एत मिश्री लाल यादव छथि हुनको क्षेत्र में गेल छल देखल है हुनकर नाम प्लेट सब हम हुनका सबसे करबद्ध प्रार्थना करबे हमरा किछ नहीं चाहिए हमरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर एक औद्योगिक वगैरह चीनी मिल रही हम दलाली में चल गए हम लोहट गए तो दलाल सब ला गए जरा नाम से टेंडर भले है ओकरा सब दलाली में लाग गए ओकरा से 2 लाख 10 लाख भेटते और वह कबार बिका के चल जाए लोहटो वो जो मुर्दा लाश रखे छलिए वह नहीं देखिए सकड़ी के सह हाल सबका के सह पेपर मिल के सह हाल हासिल डेवलपमेंट है आ सांसद विधायक का एक महीना के पाई दे देता पैसा हमारे फंक्शन भ जाए और हमारा दूटा यूनिवर्सिटी है यहाँ के ठाम ढेर कॉलेज अहाँ के है हम नहीं जोड़े हम नाम नहीं लेब चाहे 79 में बड़का मैथिली के साहित्यकार 2 गो टका चंदा देने रहें पहले 3 टका लगा कर 5 टका हम दे देने श्रीमानी अपने राखल जाओ दरभंगा के बात कह रहे थी दरभंगा के बात तो हमरा सबके यथा शक्ति जो है 50-55 वर्ष हमू के बैजू बाबू के 54-50 भ गल विद्यार्थी में पहले से छे लेकिन अहाँ हम सब कते कृतज्ञ छी कह जाए तो कह दै छियै जे बेर वाजपेयी अष्टम अनुसूची में मान्यता देला एकटा सीट मिथिला नहीं देलिए एकटा सीट मिथिला नहीं देलिए एमपी के कथी लग बुझाई छे जे सब अहिना चले छे आय यौ अहाँ के महासेतु देलनि रेलवे पर मोदी पुल देलनि अष्टम अनुसूची देलनि एम्स दऽ रहल छथि एम्स मे देरी भेलै यऽ तऽ किया देरी भेलै ताहिमे अहाँ सब सबटा लोकल लोक बेसी जानै छी हम नहि कहब एम्स मे देरी भेलै एम्स तो छै अहाँके हवाई जहाज देलनि हँ बड़ी रेल लाइन देलनि हँ तकरा हमसब तऽ ठन ठन गोपाल देखा दै छी कथी पर वोटर के चाहिए जे अहाँ के नेता छे वो देखे हमरा कते रिटर्न भेटे
तखने कोनो काज भ सकै छै। हमर बेजू बाबू के हम धन्यवाद रहब काहे बेसी आब बीच में हम हुनका धन्यवाद दै छियनि जे हमरा सब दुनू कहबे कला है जे एके चौकी एकेटा चौकी रहा वही पर दू गोटे दिल्ली में सूटी आ घरे घरे घूमी तो हम तो आंदोलन करके फाइ करूँ। बैजू बाबू के हम तो भगवान रमा श्यामा से प्रार्थना करे छियनि जे हुनका यशस्वी रखथुन दीर्घाय रखून निरोग रखून। जय मिथिला जय मैथिली। माननीय विधान पार्षद श्री हरि सैनी मंच पर उपस्थित भेला है डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बच्ची से आग्रह करे अपने हुनका सम्मानित करिए और संगे डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद विधायक जी से आग्रह करे अपने दू मिनट में शुभकामना लोग के दौ दिए सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करें। डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद आज वो और मिथिला मैथिली के गुनगुन का अलग जाना वाला हमारे सभा गार्जियन वैद्यनाथ चौधरी बैजू बाबू मंच पर उपस्थित दरभंगा नगर के सामान्य विधायक आदरणीय संजय श्रावगी जी दरभंगा जिला के सामान्य विधान परिषद आदरणीय हरि सैनी जी मंच पर उपस्थित राम कुमार बाबू राजीव बाबू समस्त कलाकारगण मीडिया के बंधु उपस्थित बंधु हम सब गोटा के मन से नमस्कार प्रणाम कर बैजू बाबू आज समय हम जै समय विधायक नहीं रही वो समय बैजू बाबू के हम साथ छो प्रखंड पर धरना देव के बात हो या कहीं जाए के बात हो हम सब वो समय इनका साथ रहे और अखनो इनका अवसर साथ छ अखन हम विधायक हमने कहो के भाव लिए और हम मैथिली मैथिली से हम सेहो मान एम ए कयने छी तैं दुआरे हम बेसी बात नहीं बाजब लेकिन एकटा हम बैजू बाबू को जोर कहब अहाँ निश्चित रूप से अहाँ मैथिली और मिथिला के जे अहाँ लग पूरा में घूम घूम के अहाँ अलग जलाब जलाब काज करै छी हम सब अहाँ के साथ छी अहाँ निश्चित रूप से अलग जगाओ और समस्त जनता के लग चलो बस एतबे कह के हम अपना वाणी विराम दै छी। जय हिंद जय भारत जय मिथिला जय मैथिली। और माननीय विधान पार्षद श्री हरि सैनी जी से आग्रह करे छियनि आइ तऽ कहलहुँ जे ग्रहण के बाद लोग हरिये का स्मरण करिए हरि जी साक्षात आबि गेला तऽ अपनो बुझै छथिन जे 15 मिनट में सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हेतै तऽ दू दू मिनट बजबाक अछि। भारत माता की वंदे श्यामा माई की आज एक कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन सप्ताह नेतागण हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के लो ऐठा उपस्थित सबका गीतकार संगीतकार लोग विद्वतजन श्रोता लोग बड़ा प्रसन्नता के विषय कि कौन विषय के लगे ठाम उपस्थित छी। बहुत गोरे के लागे छन कि जे अखनो घर हम सब एना छी आ हम तो बैजू बाबू के धन्यवाद नहीं हमरा सबके तो शुभकामना ई बात के लिए कि एना ही इनका ऊर्जा बनल रहे आ लागल रहन आ इनका संग संग जतेक हमर गीतकार संगीतकार छन हम ओइस इनका से कनियो कम नहीं इनको सबके धन्यवाद दे छियन कि आई मैथिली गीतक माध्यम से हर घर में हर व्यक्ति के हृदय में अलग जगबै छन संगीत के
माध्यम से तेरे इनको धन्यवाद दे छे कि एना ही अहा सब तरह तरह के गीत गाब गाब के सब घर तक मैथिली के संदेश पहुंचाबे रहू आ सबटा श्रोता के सेहो धन्यवाद। लेकिन एक टा बात कहब, जो अहा चाहे छे कि मैथिली के विकास हुए तो त्याग तो थोड़े कर के हेते। एक टा नम्हर विषय छे कि ई आंदोलन के ई आय स्वर्ण जयंती मना रहल छी आ आई मंच पर देश के उच्च दोनों सदन आ राज्य के दोनों सदन एठाम पहुंचल अहाँ के लागे कि जल्दी समाप्त करू संगीत सुनब अपन भाषा के सफलता के शिखर तक पहुंचाबे के लिए दू शब्द सुन के अहाँ क्षमता भी रखल छी त्याग भी करबे तो इतिहास कोना बनत जे अहाँ मैथिली के विकास के अभियान में अहू के योगदान छल तेने कनेक विकासक भाव मन में रखू ओना ही नहीं बन जाते। आ देखे कार्यक्रम हो एक दू टा अथी उद्देश्य कि अहाँ सनक संगीत के माध्यम से मैथिली के विकासक बात गीत सुनब वाला श्रोता छ आ मैथिली विकास के लिए दू शब्द से जो क्यों बाजल विकास के गप कर चाहे छथिन वो दोनों तरह के श्रोता आबे छन। केवल हम गीतकार संगीतकार के बजा ली ताकि एक तरह के श्रोता न रहता एठाम तैं धन्यवाद के पात्र छन हमारे ये सब व्यवस्थापक लोग भैरू बाबू जे एक तरह के व्यवस्था करे छन तैं मन में कोनो धरपड़ी नहीं रखू एक तरह के कार्यक्रम हो जते गीत में अहाँ थपड़ी बजबे छी ततबे एम्हरो कि बारी छन लोग ओहू में अहाँ के तारीफ बजे के चाहिए तो बुझ अहाँ के केवल संगीत से नहीं मैथिली से प्रेम है। तेरे आई बाजे के विषय नहीं है जतबे मन में है बात एक बारी जीती तो जे लोग चाहे छे हमारा वंश बढ़े तो बाल बच्चा के विवाह उनका करे पड़े छे। हम चाहे छी मैथिली के विकास हुए तो केवल मन में रखला से नहीं हेतै किनको कहला पर नहीं अहाँ के जे मन में बुझ पड़े कि ई कार्यक्रम के आई जिला के शहर में जिला स्तर पर हमारा एक तरह के मेला लगभग के जतेक नम्हर मेला लगत ततेक मैसेज हम छोड़ सकब तेने मेला के मुताबिक में जे लोग जतेक संजय भाजी के इंतजारी छले संजय जी हमरा सब के बीच में आबि गेला है और हम अंत करे छी ये 93 में एक ये संजय झा जी छला और नागेंद्र मिश्र जी अखन हमर मणिकांत अहिठम छै अखन हमार विजय चंद झा छै जे 92 में ई जेडीयू से आयल रहे और हमरा नागेंद्र मिश्र हिनकर पियूषा और दिन राति हमर मातृभाषा अष्टम अनुसूची में जुड़े तै के लेल संजय जी काज करित रहे ई हमरा बहुत बात कर हम कहले जे बजे रात में आब देबे हमरा कोनो दिक्कत है लेकिन जे मैथिली में करिए तकरा हम सब अपन हम करी ई नहीं जे अहाँ करे छी तऽ अहाँके राजीव बाबू अपन हम कहिए और तो संस्था को छी दिनेश जी संस्था में छी एते बात हम सब बुझी और यह कह आब हमर जे स्वागत करिए बीजू बाबू डॉक्टर वेदनाथ चौधरी बीजी से आग्रह करी छियन सराबी जी मिश्री बाबू सवाद मिल के अपने हरि बाबू सवाद मिल के स्वागत करिए मोबाइल बुला सकते हैं
मिथिलाभिभूति पर्व स्वर्ण जयंती समारोहक अवसर पर मंच दिशा माननीय मंत्री जी के हार्दिक अभिनंदन चंदन वंदन करी छे। कार्यक्रम बहुत आगा बढ़ी गेल अछि, बहुत लोग के उद्बोधन भ गेल अछि। आइ सांस्कृतिक कार्यक्रम अछि, हम प्रतिवाद छी जे समय से सांस्कृतिक कार्यक्रमक शुभारंभ करब। अखन एकटा स्वागत गीत प्रोफेसर कृष्ण कुमार कन्हैया जी, सुधीर जी, अभिजीत जी सुंदर एकटा भाव दर्शन करी। चंद्रिका सिया
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूर्व उच्च पदाधिकारी सुंदर शब्द शिल्पी निर्भीक समालोचक सफल संपादक सुमधुर वाचक हिंदी मैथिली निपुण विद्वान तथा मातृभाषा सक्रिय सेवक माननीय डॉक्टर रामानंद झा रमण जी के स्वर्ण जयंती समारोह में समर्पित मिथिला विभूति सम्मान सह अभिनंदन पत्र। अति पावन पुर लाल गंज अति पावन पुर लाल गंज वसुधा के बरद शारद संतान डॉक्टर रमानंद झा कर पंकज मिथिला विभूति सम्मान आजीवन मिथिला मैथिल मैथिली के सेवक श्रीमान
कौलिक मेधा मौलिक प्रतिभा बहुत विधाक समेकित ज्ञान तेसर मौलिक ग्रंथ प्रकाशित समालोचना अति विख्यात 47 संपादित पोथी अवलोकन सौ प्रमुदित गात 5 गोट अनुवादक पोथी 5 गोट अनुवादक पोथी मानक ग्रंथ सभाक अनुवाद यद्यपि शतक साम संपादित तदपि चार्य अतिशय आह्लाद सुतल राति ने भाखा चिंतन प्रतिदिन करी जनक उपकार चारि पत्रिका संपादन सह संपादन मिथिला श्रृंगार एक्सपर्ट भाषा के रापने वैयाकरण वर्तनी ज्ञान कतो ठाम जूड़ी पर पाओल के मतिमान गुणी विद्वान संस्थान आनंदित संप्रति अपने सन अभ्यागत पावि अयाचीक सागे सेवा में मन संतुष्ट मान पदगाबी स्वर्ण जयंती पावन रजनी आज कई अनुपम त्योहार माथ पागा गला माल अक्षर अभिनंदन सौ सत्कार निवेदक विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा आरचना हमने कर कार्यक्रम बहुत सम्मानित किया जा रहा है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मैथिली विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रमेश झाजी के हैं माननीय मंत्री महोदय सम्मानित करते हैं और सम्मान पत्र वाचन करता है लेखक डॉक्टर जयप्रकाश चौधरी जनक जी ओ भैया ओ कोई मतलब है इसका सुपौलवासी दरभंगा निवासी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मैथिली विभागाध्यक्ष ललित लेखक सक्षम संपादक निर्भीक निबंधकार माँ श्यामा न्यास समिति सक्रिय सदस्य एवं कर्मनिष्ठ प्राध्यापक माननीय प्रोफेसर रमेश झाजी के सादर समर्पित मिथिला विभूति सम्मानक संग अभिनंदन पदावली मातृभूमि भाखाक प्रगति हित तन मन धन अर्पण सब काल नव अवसर अपन अभ्यागत स्वर्ण जयंती पर्व निहाल नील कौशिकी सिंचित बलहा पर शर्माक बरद संतान यस अर्जल पुस्तको शुल्क दय छात्रक प्रोत्साहन कल्याण प्रणत भय नर गोना विद्या प्रणत भय नर गोना विद्या मंदिर पर विभाग अध्यक्ष फेर कते सम्मान मान सम्मानित निश्चित चौन विपाक्ष सज्जित पुष्प मालिका सूर्योदय आ किस्नक जीवन हाल रसमय रचना मृदुभाषी श्री रामचंद्र कर्पूरक बाल श्रीयुत 36 साल मेमोरियल जा अपने के चरण तैठाम रही मिलल कन कन जन जन सौ हे आजात रिपु चर्चित नाम मेधा कौलिक प्रतिभा मौलिक कंचनाक पाणिग्रहणक जोग शक्ति पीठ श्यामा न्यासक सक्रिय सदस्य नित नबल प्रयोग झारी वासी कैलासीक अशेख अशीष कृपा श्रीमान जीवन भरि मन रहत सुभद फल ई मिथिला विभूति सम्मान विद्यापति सेवा संस्था एकर बाद
समाज सेवा क्षेत्र में श्री रंजन कुमार झा, रंजन कुमार झा ट्राई कलर रंजन कुमार झा। महाशय आगे साइड प्रोफेसर धीरेन्द्र बाबू रचित ई सम्मान पत्र छे मिथिला गौरव संघर्ष पथ पर रहचमत्कृत साफल्य हस्तगत करी व्यवसाय ट्राइकलर समूहक स्तंभ मरल सौम्य कर्मठ लगनशील कर्तव्य पारायण शून्य सौ शतक सहस्त्र पर पहुँचवाप सूक्ष्म जंतु गुरुवर गरिमा परीक्षण कह निहार लोक कल्याण हित हृदय मंदिर में पावन मन भावन मा भाव संचित सत्य समाभ्याम सकलार्थ सिद्धि बंधन के जटात कह निहार मिथिलांतर्गत मधुबनी जिला दलदल ग्रामक सुपुत्र श्री रंजन कुमार झाजी कार्यकारी निदेशक ट्राइब कलर समूह के कर कमर में ई मिथिला रुहूत सम्मान श्रद्धा पूर्वक समर्पित मिथुन मनोहर मरुमर सी वाणी थी जिनकर देश विदेश ख्याति लब्ध नाम हो किनकर लक्ष्य सिद्ध हित कैर जत ई समय कठोरे कारोबार कह रहला ई दिन दिन मन बौने बुद्धि विवेक सजम लगन सो संयम लगन सो ई चलला गाम घर सो लय विदेश धरि नाम कमैला काल कोरोना रहो बारहो अंगीना फाउंडेशन किट विविध काज देखी भरी नैना रोजगार बेगार रहित रंजन कैल तपस्या बहुमुखी लोक कल्याण हित हिनका करी नमस्या एहन विभो महान विभूति करी भाग पर चंदन हाथ पृछल भावि सो करी हिनक अभिनंदन निवेदक विद्यापति सेवा संस्थान और रचना प्रोफेसर धीरेन्द्र नाथ मिश्र। और एक बाद प्रोफेसर डॉक्टर अजय नाथ झा प्रोफेसर खेल पदाधिकारी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के मिथिला विभूति सम्मान सो सम्मानित करते माननीय मंत्री श्री संजय कुमार झा जी। सम्मान पत्र वाचन करता डॉक्टर जयप्रकाश जी है और एक बाद मंत्री महोदय का उद्बोधन है तक बाद हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम है ललित नारायण और शेष जो छह सम्मान से हमारा लोकन बाद में देवे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा जीव विज्ञान विषय विभागीय प्रोफेसर विश्वविद्यालय यशस्वी खेल पदाधिकारी कुलानुशासक एवं सनामधन्य प्राध्यापक माननीय डॉक्टर अजय नाथ झा जी के मिथिला विभूति सम्मान एवं सेवा में समर्पित अभिनंदन पत्र। डामरधर बाबा विदेश्वरक रम्य भव्य पुर गाम आवाम क्लेशित नहीं प्रमुदित चित डॉक्टर अजय नाथ अति व्यापक नाम करी न पथ निष्पक्ष न्याय सो अनमन नीर छीर परिणाम रमल सतत अनुसंधाने में हिंदक क्रीरा बनौ ललाम श्रीयुत मनल विश्वविद्यालय जय अपने अफसर स्पोर्ट्स जुगक धर्म नहि उपकारक हित सालो यात्रा एयरपोर्ट कते मैच जितवा ओला अपने खो खो क्रिकेट कबड्डी खेल अनुपम टेबुल टेनिस क्रीड़ा वॉलीबॉलक तगमा लेल जनक पूज्य बर महामनीषी गोपुरवास द्वारिकानाथ जस अरजल हे प्रतिभाशाली ई दरिभंगा आई सनाथ नाम अहाक विदित जन जन में
नाम अहाँ के विदित जन जन में नौटा शोध परीक्षण कार्य फकीन गौखन हरदम लेखन तथा अहर निष्पाठन कार्य झाम ताम नहीं सात्विक भावे झाम ताम नहीं सात्विक भावे ई मिथिला विभूति सम्मान जीवन भरि मन रहत जयंती स्वर्ण पूर्ण मक चकमक जान जीवन भरि मन रहत जयंती स्वर्ण पूर्ण मक चकमक जान निवेदक विद्यापति से मिथिला पेंटिंग में जो तीन टा प्रतियोगी लोग बीच में विजय पुरस्कार तिनका लोकन के मंत्री महोदय से पुरस्कार दिया दी छे। तृतीय पुरस्कार मुक्तिनाथ मुक्ति झा अपन अजिया सास स्वर्गीय रोहिणी देवी के पर्दा मधेपुरा की स्मृति में द्वितीय पुरस्कार सती सेवा संस्थान चंदन ठाकुर सती सेवा संस्थान चंदन ठाकुर द्वारा देल गेल छे। सिकंदर मुखिया मधुबनी के द्वितीय पुरस्कार अध्यक्ष संतोष ठाकुर प्रथम पुरस्कार मणिभूषण राजू हम आग्रह करब कृपया शांति बना के राखी सांस्कृतिक कार्यक्रम तुरंत शुरू हेतु माननीय मंत्री महोदय के उद्बोधन हेतु तक बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम शुभारम्भ हेतु कहो क्या बेर बीच में हम सब ठार नहीं हुई परिसर के एक मेला सन इच्छा जो हो रहा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो 5 मिनट धैर्य राखी अने तो हमारे योजना ही 1 घंटा भाषण के नहीं तो 5 मिनट अपने स्थिर रही माननीय मंत्री महोदय श्री संजय कुमार झा जी जिनका मिथिला समग्र विकासक सतत चिंता रही है उनकर बात अपने सुन ली श्री संजय कुमार झा स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम मन संचालन करे कमलाकांत झा जी विद्यापति सेवा संस्थान का महासचिव आदरणीय बेना चौधरी बैजू जी मणिकांत झा जी दरभंगा का नगर विधायक माननीय श्री संजय सरागवी जी अलीनगर का माननीय विधायक माननीय श्री मिश्रीलाल यादव जी हायाघाट का माननीय विधायक श्री रामचंद्र प्रसाद जी एवेलसी माननीय हरी सहनी जी आदरणीय संत चौधरी जी ने शिक्षा में
बहुत काज मिथिला से आ मिथिला के बाहर जाकर काज कल राम कुमार झा जी जो CPI के नेता छ राजीव चौधरी जी मुखिया प्रवीण कुमार झा जी मीडिया प्रभारी विज्ञापन सेवा संस्थान पर पंकज ठाकुर जी पुरुषोत्तम मत्स्य जी हम 2 मिनट केवल समय ले हम अहाँ और एक बीच में नहीं है हम बधाई दे बैजू बाबू का कि 50 साल एक संस्था का चला का दरभंगा पटना पूरा देश में जाकर विद्यापति का बात विद्यापति का भावना मिथिला समाज का जोड़ कर रखने एक पूरा का पूरा जीवन अपन ही लगा दिलखिन संस्था के बढ़वे में आज तो बहुत किस देखा पड़े हम हिंदर आंदोलन सेहो देखने दिल्ली में मैथिली कस्टम सूची के लक और जै प्रकार से पूरा एत लोग मैथिल बाहरों सबका एक वो सबका आराध्य सबसे जुड़ल छथिन लेकिन हम पिछलों बेर मीटिंग में कई कार्यक्रम में कहने रही विद्यापति के नाम पर पूरा मिथिला में कोनो संस्था हो से हमरा सबके नजर में कोनो यूनिवर्सिटी बड़का कॉलेज कोनो चीज से हमरा सबके नजर में आई तक नहीं है लेकिन आप ये दरभंगा में एयरपोर्ट है से बिहार सरकार के तरफ से दोनों हाउस असेंबली और काउंसिल दोनों मिलकर विद्यापति जी के नाम पर विद्यापति एयरपोर्ट बने से रिकमेंड कह कर दौ दिल गए हैं और कम से कम विद्यापति जी के हम सब कह कर चल रहे हुनका प्रति बड़का जुलूस हेतु यह बात कह कर हम अपन बात समाप्त कर हमरा लोकन 29 अप्रैल के विजय हमर मित्र छथि और शीतलाम्बर जी छथि हम 29 अप्रैल के राम के समय हमर किशोरी जी सब सुना छथि सिंगल आइ कै साल से मांग जे नहीं किशोरी जी के मूर्ति लगे तो जेना ही आइ एलन है संकट सदन मुख्यमंत्री के कम से कम किशोरी जी के 29 अप्रैल के मूर्ति तैयार भ रहा है सब गोटे मिलकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व के किशोरी जी के मूर्ति के अनावरण हो यह हमारे एक विजय बाबू सेहो आये दिल्ली से हम सगली देखलिए देखा एक बात अंत में और कहने मूर्तियों को और कल हम मुख्यमंत्री जी को लौ कर जा रहा छियन सिमरिया घाट और सिमरिया घाट लौ कर जा रहा छियन कि पूरा मिथिला का सांस्कृतिक केंद्र रहले तो केना सिमरिया घाट में काज आ जल संसाधन विभाग वो काज करते जे हम देखे पूरा सिमरिया घाट हरिद्वार के तरफ बन जाए सिर्फ कहे में नहीं व्यवहार में से कल हम सब जाकर तो तय करबे वो काज करबे बहुत धन्यवाद चुस्ती आ फुर्ती जो चाहे छी जो करू चुस्ती आ फुर्ती जो चाहे छी जोग करू जूरे तो दही दूध माछ भात भोग करू इतना तो खर मुदा गीते पछमेल चलत रसे रसे पबई जाओ हाथों सहयोग करू रसे रसे पबई जाओ हाथों सहयोग करू मंच पर आमंत्रण मिथिला का विशिष्ट वरिष्ठ कलाकार जिनका फोटो समस्त देश में बसनिहार मैथिलक मानस पटल पर टांगल ओ कुंज बिहारी जी आमंत्रित और कुंज बिहारी जी पहल चक्र में एक विद्यापत संगीत तक बाद अपना हिसाब से दो संगीत होता एक विद्यापत संगीत में 5 मिनट में समीर महासेठ एक सेकेंड समीर महासेठ 5 मिनट में आबि रहलन है आप कुंज बिहारी जी के शीतल जी हुनका लौकर रास्ता में छोड़ल के वो लौक आबि रहलन है अब कुंज बिहारी जी और सब वादक जते छथिन आबि जाओ समीर महासेठ माननीय मंत्री बिहार सरकार पिता पूर्व एने हमरा सभक दिन रात मैथिली के काज राजकुमार महासेठ करी छला 11 बजे रात से जे गाम पर सासगर आयल हो घर पर फोन कर दियो 11 बजे से ऑनलाइन आकाशवाणी दरभंगा
स्टेशन पर रेडियो लगा देवे भैर कार्यक्रम अपने एहिठमक सुनैत रहब। मणिकांत जी से जोगाड़ कऽ लेने छथि, एकाद मचान बनल छै, ओतौ गाम पर सूचना दऽ दियौ जे 11 बजे सँ रेडियो खोलि कऽ कार्यक्रम सुनैथ। एकाद मैथिली किताबक स्टॉल लागल छै और विविध सामग्री सब जे छै मिथिलाक तक्कर से लागल छै स्टॉल, ततौ अपने लोकनि जाकऽ अवलोकन कऽ सकै छी, खरीद सकै छी। अखन कोनो बिहारी जी श्रोता के प्रणाम करै छी। मंचस्थ तमाम अभिभावक विद्वजन गार्जियन के गोर लगै छी। अंगना जयवे महाकवि बाबा विद्यापत चरण में दैनिक भंडवन पर समर्पित करै छी। संगत कलाकार के प्रति आभार व्यक्त करै छी। विद्यापति सेवा संस्थान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करै 50वें के जे अवसर स्वर्णिम अवसर ताहि लेल सब गोटे के शुभकामना दै छी। Oh,
50 वर्ष में हमारे आदरणीय बिजू बाबू के बड़ा चिंता रहें जरा कुशल से संपन्न है सेवा संस्थान के जाने कते लोग में लागल है मिथिला के गामक गाम के लोग में लागल है तेमें आदरणीय जीवनाथ भैया बाबा धाम में अनुष्ठान पर बैसल है जो प्रकाशन समारोह बढ़िया से हो राधा कृष्ण भजई
সাগরে মরিব সাধরে মনের সাধা আমি মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন তোমায় করিব রাধা কখন তুমি জানিব প্রীতিতে মন জ্বলা I'm
विभूति पर्व पर विद्या पर संगीत होबाक चाहिए। ऐसे हमारा लोग प्रति वर्ष पूर्ण बिहारी जी सौ विद्या पर संगीत सुनै हमारा मंच बनाएल बिहार सरकारक उद्योग मंत्री मिथिलाक लाल श्री समीर कुमार महासेठ और उद्योग मंत्री समीर महासेठ के सम्मान करते जल संसाधन मंत्री श्रीमान संजय कुमार झा प्रवीण जी उद्योग मंत्री के सम्मान करवा के उद्योग करू और एक बार मंच पर सादर आमंत्रण दौर बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित राष्ट्रीय स्तर कलाकार श्रीमती रंजना झा के आमंत्रण दौर मंच पर बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित कतेक फिल्म में गीत गावा वाली रंजना जी सौभाग्यवश पुनः हमारा लोग मंच पर आयल श्रीमती रंजना झा के मंच पर आमंत्रण दौर काल से हल्ला करे अत काल से मुंह से हल्ला करे अरे हाथ से किस करियो ने आप हाथ पर हाथ लाइक कत काल भी सब श्रीमती रंजना झा मंच पर आबि गेल छथि बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित श्रीमती रंजना झा से हमरा लोग सुनी Thank you.
शुभकामना दो दियो मिथिला भूमि पर पांच के लिए। अरे सारे मोबाइल से भी थोड़ा साइड हो जाओ। श्री गोपाल जी ठाकुर के सम्मानित कर रहा छे महासचिव डॉक्टर रविन्द्रनाथ चौधरी बैजू जी मुदा दिल्ली में ऐसे पैग पैग माला ही लो जाए छथि ऐसे हल्लुक माला हमरा लोग नहीं दौड़ रहा छे सम्मान में चेहरा ही नहीं दिख रहा है।